कर दोस्तों, और स्वागत है आपका टॉपर्स अप की नई वीडियो में। और यार तुम्हारा सपोर्ट बहुत ही प्यारा है यार, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतने सपोर्ट के लिए। और दोस्तों हम 1500 सब्सक्राइबर्स भी हिट करने वाले हैं, तो जो भी नए व्यूअर्स हैं यार सब्सक्राइब का बटन दबाओ, लेट्स हिट 1500। और यार ये सब तुम्हारे बिना नहीं हो पाता, तो यार तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। और ये हमारी जैकपॉट लास्ट वीडियो है, जैकपॉट वीडियो 4, जिसके अंदर मैं सारी हिस्ट्री डिवाइस करने वाला हूँ। दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप लोगों को, मेरे काफ़ी व्यूअर्स को दो चैप्टर्स और हैं हिस्ट्री में, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, या और एक और है उनके पास प्रिंट कल्चर, ठीक है। तो यार ये दो चैप्टर मैंने कभी नहीं किए थे, ठीक है, अपने टाइम में, मतलब जो मेरे स्कूल में करवाए गए थे वो जो ये चैप्टर्स मैंशन है 2, 3, 6 और 8, ठीक है। तो ये दो चैप्टर्स कई लोगों को थे कि सर ये वाले भी डालो, बाकी लोगों को थे, मतलब ये वाले तो थे जो मैं बाकी 3 करूँगा 4 करूँगा। तो दोस्तों ये ना मुझे प्रिंट कल्चर का भी था, ना मुझे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप था। बाकी जो भी बचे हुए चैप्टर्स हैं वो सेम है हम लोगों के, मतलब जो मैं करवाऊँगा तुम्हें और जो तुमने किए हैं वो सेम होंगे, ठीक है। तो यार ये दो चैप्टर्स के लिए यार तुम किसी और चैनल पे रेफ़र कर सकते हो, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यार मैंने कभी किए नहीं थे और मैं तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग पूरी वीडियोज़ नहीं देख, जितने भी मेरे चैनल पे वीडियोज़ हैं दोस्तों, मैं ये नहीं कहता आप उन पर रिलाई मत कीजिए, बट आप उन पर पूरी तरह डिपेंडेंट मत हुई, आप प्लीज़ सेल्फ स्टडी कीजिए। मैं सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि वीडियोज़ मतलब चैप्टर्स ऐसे आएंगे, करना आपको खुद ही पड़ेगा दोस्तों, सेल्फ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आप मेरे क्वेश्चंस को एज अ पेपर लेके याद कर सकते हो, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको ये जो टॉपिक्स मैंने कटवाए हैं, प्लीज़ आप उनको भी अच्छे से रिवाइज करके जाइए। मैं हर कमेंट में जो भी मुझे करता है मैं उसको लिखता हूँ, या तो मैं नहीं लिखता हूँ, आपको भी पता है मैं लिखता हूँ, प्लीज़ डू सेल्फ स्टडी, बिकॉज सेल्फ स्टडी से आप SST में 100 out of 100 भी स्कोर कर सकते हो, और ये मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ। सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट, रीडिंग करो चैप्टर्स की, आपको समझ आएगा, ब्लैंक तो नहीं होगे। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था आप उनको थॉरो करो, ठीक है, प्लीज़ ये बात का आप ध्यान रखो। और यार कई लोगों को हिस्ट्री का, तो यार सॉरी बहुत टाइम वेस्ट हो गया, तो यार चलो शुरू करते हैं हिस्ट्री का। और दोस्तों एक और बात, सेकंड चैप्टर है आपका द नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडो चाइना, थर्ड चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, सिक्स चैप्टर है आपका वर्क लाइफ लेजर, और लास्ट चैप्टर है आपका नॉवल सोसाइटी एंड हिस्ट्री। दोस्तों ये चैप्टर पूरा रट्टा है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, और लिटरली जब मैं पढ़ता था, मैं आपको सचमुच बताऊं, मैं सिर्फ एक बार रीडिंग लेके चला जाता होता था, तो मेरे इस चैप्टर में मार्क्स फ्लक्चुएट ही होते थे, 8 नंबर का तो मेरे ऐसे मतलब फ्लक्चुएट रहते थे। तो इसकी भी काफ़ी वेटेज है, मैं ये नहीं कहता नहीं है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चैप्टर नहीं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारा लर्निंग पार्ट है, इसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं, नॉवल्स के नाम याद करने हैं तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, तो यार ये मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, वेस्टेज ऑफ टाइम है ये मेरे वीडियो के लिए और तुम्हारे लिए भी, तो बाय। तो अब हम सेकंड चैप्टर से शुरू करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉवल चैप्टर नहीं आ रहा है, नॉवल चैप्टर बिल्कुल आएगा, और वेटेज उसकी 10 से 11 नंबर भी हो सकती है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। तो अरे यार मुझसे ही गलती हो गई, तो ओपन विद जोडो, और ये रहा हमारा चैप्टर। तो सबसे पहला दोस्तों जो हमारे पास चैप्टर है वो है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। दोस्तों मैंने इसकी भी वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, या आपको वीडियो के एंड में मैं वो डाल दूंगा तो आप उससे शायद देख पाएँ, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बताया दोस्तों, वियतनाम ने अपनी इंडिपेंडेंस गेन की 1945 में इंडिया से 2 साल पहले, बट 3 डिकेड्स, 1 डिकेड उसको लगे कि वो अपनी वियतनाम को फॉर्म कर सके, क्योंकि जब भी जब उसको इंडिपेंडेंस मिली तो उस पर हमला कर दिया US ने, जापान ने, जब वो फ्री हुई चाइना से, फ्रेंच से फ्री हुई तो उसके ऊपर जापान और फिर US का हमला हो गया था, तो उसको 3 डिकेड्स और लग गए वियतनाम को फॉर्म करते करते। वियतनाम नेशनलिज्म इन इंडो चाइना डिवेल्प्ड इन अ कलोनियल कंटेक्स्ट, कलोनियल होता है जो पावर स्टेट्स होती हैं उनके अंदर, द निटिंग टुगेदर ऑफ द मॉडर्न वियतनाम नेशन थॉट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज टुगेदर वॉज इन पार्ट द रिजल्ट ऑफ कलोनियलिज्म, बट इम्पॉर्टेंटली इट शेप द स्ट्रगल अगेंस्ट। तो ये तो यार पढ़ के ही तुम्हें समझ आ रहा है। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम 3 मेन जगहों की बात करेंगे, कम्बोडिया, वियतनाम और लाओस, LAOS, ठीक है। तो इन्हीं 3 जगहों की बात है, और यहाँ पे भी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इंडो चाइना कंप्राइजेज ऑफ मॉडर्न कंट्रीज ऑफ वियतनाम, लाओस एंड कम्बोडिया, ठीक है। तो ये 3 कंट्री को कंप्राइज करता है इंडो चाइना,
ठीक है, इंडो चाइना चाइना की जगह नहीं आ जाती है, इंडो चाइना वो है जहाँ पे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया है, वो वाली जगह को इंडो चाइना का एरिया कहा गया है। ठीक है, इट इज़ अर्ली हिस्ट्री शोज़ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग, जो वहाँ पे बंदे रहते थे ना वो चाइना के जो कल्चर थे उससे इन्फ्लुएंस थे, और जब फ्रेंच ने अटैक भी किया तब भी वो काफ़ी हद तक चाइनीज सिस्टम को ही फॉलो करते थे। उसके बाद कहते हैं वियतनाम एक मैरीटाइम सिल्क रूट से लिंक भी था, जहाँ से लोग आते जाते थे मतलब वियतनाम के अंदर, और खमेर कम्बोडियंस लिव करते थे बहुत पुअर एरियाज़ के अंदर, हिंटरलैंड्स के अंदर नॉन वियतनामीज पीपल लिव करते थे, सच एज खमेर कम्बोडियंस। कलोनियल डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस, द कलोनियलाइजेशन ऑफ वियतनाम बाय द फ्रेंच ब्रॉट द पीपल ऑफ द कंट्री इन टू कन्फ्लिक्ट विद द कलोनियलाइजेशन ऑफ अदर एरियाज ऑफ लाइफ। द मोस्ट विजिबल फ्रॉम द फ्रेंच कंट्रोल वॉज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन, बट द फ्रेंच ऑल्सो बिल्ट अ सिस्टम दैट ट्राई टू रीशेप द कल्चर ऑफ वियतनामीज। तो फ्रेंच आए वियतनाम के ऊपर, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो फ्रेंच वियतनाम का कल्चर बदले। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि फ्रेंच ने क्या क्या किया जिससे उन्होंने वियतनाम के कल्चर को बदलने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्रेंच ट्रूप्स थे उन्होंने बताया कि वो लैंड किए वियतनाम के अंदर 1858 में, और उन्होंने सबसे पहले टोनकिन पे हमला किया, जो कि फिर उन्होंने हनोई पे अटैक किया जो कि टोंकिन की कैपिटल थी, मतलब पहले उन्होंने टोंकिन पे कब्ज़ा करने की कोशिश की। फिर उसके बाद उन्होंने जो वियतनाम के पीपल थे उन्होंने बहुत कोशिश की, अपने आप को सफरिंग हुई उनके साथ, बहुत बुरा हुआ, मतलब फ्रेंच ने पूरा अपने कब्ज़ा जमा लिया वियतनाम के ऊपर। तो एक फेमस ब्लाइंड पोइट नगुयान दिन चियू की बात की गई है, जब जिस पे वो एक पोएम लिखते हैं और बताते हैं कितना बुरा हाल था फ्रेंच का आने के बाद, मतलब। तो अब इधर आ जाता है वाई फ्रेंच थॉट कलोनीज नेसेसरी, फिर फ्रेंच ने सोचा कि कलोनीज को डेवलप करना बहुत नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है। फ्रेंच ने क्या करना शुरू किया कि जो मेकोंग डेल्टा थी उस पर इन्होंने इरिगेशन वर्क्स बनाए, जिस पे इन्होंने वियतनामीज लेबर्स की हेल्प लेकर बनाई, और वहाँ पे राइस प्रोडक्शन करने लगे। इतने ईयर्स में वो राइस प्रोडक्शन करते रहे, राइस की प्रोडक्शन बढ़ती गई, और एक ऐसा टाइम आया जब वियतनाम थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया राइस का वर्ल्ड में। तो राइस के साथ साथ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, जिससे गुड्स ट्रांसपोर्ट होते थे और ट्रूप्स इधर से उधर जाते थे, तो एरिया पे कंट्रोल बना रहता था, और मिलिट्री गैरिसन्स को भी मूव करते, मिलिट्री गैरिसन्स मतलब जो मिलिट्री की इक्विपमेंट है या जो बंदे, जो जैसे कोई पूरी फौज है। कंस्ट्रक्शन ऑफ, फिर इन्होंने एक नेटवर्क्स बनाए जिससे इन्होंने आउटर कंट्रीज़ के साथ लिंक किया, जैसे इन्होंने वियतनाम को लिंक किया चाइना के साथ विद द यूनान इन चाइना, पहला ये बना। उसके बाद उन्होंने थाईलैंड को लिंक किया वियतनाम के साथ विया कम्बोडियन कैपिटल ऑफ नॉम फिन, ताकि आउटर कंट्रीज़ के साथ भी इनका वो बनता रहे, एक्सपोर्ट ट्रेड ईजी हो जाए, पैसे कम लगे। बाय द 1920s टू इंश्योर हायर लेवल प्रॉफिट फॉर देयर बिजनेसिस, फ्रेंच बिजनेस, तो उन्होंने वियतनाम की गवर्नमेंट पे हक जमाना शुरू कर दिया, प्रेशर रिंग करना शुरू कर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और डिवेल्प करने की लोड़ है, उनसे पैसे लेने शुरू कर दिए। तो एक बंदा था यार पॉल बर्नर्ड, उसने कहा कि कलोनीज डिवेल्प होनी चाहिए, उसने अपनी बुक में लिखा, क्यों लिखा, कहता अगर हम कलोनीज को डिवेल्प करेंगे तो क्या होगा, पीपल का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जिससे वो और नए नए प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, जिससे फ्रेंच मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस आएगा। पर उसने ये भी कहा कि देर आर सेवरल बैरियर्स इन ग्रोथ ऑफ वियतनाम, काफ़ी बैरियर्स है वियतनाम की इकोनॉमिक ग्रोथ में। क्या बैरियर्स थे वो, हाई पॉपुलेशन लेवल की, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर इनपुट्स बहुत कम है, लैंड अच्छा नहीं है, मतलब नई लोग भी नहीं, मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव लोग नहीं है, नॉलेजेबल लोग नहीं है, और डेप्टनेस बहुत है, डेप्टनेस बहुत है मतलब कर्जा बहुत है पीजेंट्स के बीच में। तो ये तीन चार रीज़न उसने बताए, और उसने फिर जापान से सीखिया लेते हुए कहा कि हमें लैंड रिफॉर्म्स रेस करने पड़ेंगे जैसे कि जापान ने किए, ताकि, और हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट खड़ी कर सके, ताकि कोई मतलब रायट वायट ना हो जाए कि जो छोटे वर्कर्स होते हैं वो राइट कर ले इस बात के ऊपर। द कलोनियल इकोनॉमी इन वियतनाम वॉज हाउएवर प्राइमरी बेस्ड ऑन द राइस कल्टीवेशन एंड रबर प्लांटेशन ओन्ड बाय द फ्रेंच एंड द स्मॉल वियतनामीज इलाइट। रेल एंड पोर्ट फैसिलिटीज वर सेट अप टू सर्विस दी इंडेंचर्ड लेबर, क्या होता है जो वो लेबर जो प्लांटेशंस में यूज़ किया जाता था, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे वर्क करता था, और जो एम्प्लॉयर्स थे अगर वो पैसे भी मांगते थे, एम्प्लॉयर्स अगर लेबरर्स उनसे पैसे मांगते थे तो वो उनके ऊपर अपनी तरफ से चार्जेस
लगा देते थे, और कई बार उन पर पुलिस केस भी ठोक देते थे। तो मतलब उनका कोई वो ये था ही नहीं, वजूद ही नहीं था इन लेबरर्स का, तो हम लोग ये कह सकते हो। फिर आया एजुकेशन, जैसा कि बर्नर्ड ने बात की कि डेप्टनेस है, इकोनॉमी कम है, ये वो, तो एजुकेशन ज़रूरी थी। उनको वियतनामीज़ को एजुकेशन देनी थी ताकि वो एक ऐसा लेबर प्रोड्यूस कर सके जो स्किल्ड हो। लेकिन अगर वो स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करते हैं तो एजुकेशन से बंदा होशियार भी होता है, तो वो उनकी कलोनियल डोमिनेशन के ऊपर भी अपना वो कर सकता था, यहाँ लिखा हुआ है, तो अपनी वो क्वेश्चन कर सकते थे कलोनियल डोमिनेशन के ऊपर। और फ्रेंच के जो सिटीजन्स थे जो वियतनाम में रह रहे थे, उनको डर बैठ गया था कि अगर हमने फ्रेंच को एजुकेशन दे दी तो फ्रेंच के जो सॉरी अगर हमने वियतनामीज़ को एजुकेशन दे दी तो जो वियतनाम के बंदे हैं वो टीचर के पद पे पहुंच जाएंगे, या वो क्या कहते हैं उसको, टीचर्स हो गए, कोर्ट्स में चले जाएंगे, तो उनकी काफ़ी जॉब्स चली जाएंगी, शॉपकीपर्स, पुलिस मैन, तो उनकी जॉब्स को खतरा है। तो ये दो केसेस उन्होंने बताए। फिर आता है दोस्तों टॉकिंग, ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो यार ये भी तुम ये लोग याद करके जा ही ना, ठीक है, चले जाना। ओ यार ये काटना नहीं था, डिलीट, ये काटना नहीं है, ये अच्छा है, तो तुम याद करके जाना, ठीक है, इसको भी। टॉकिंग मॉडर्न, टॉकिंग मॉडर्न से वो हमें बताना चाहते हैं जो फ्रेंच थे वो चाइनीज़ की इन्फ्लु मतलब उन मैंने तुम्हें बताया कि उनके ऊपर चाइनीज़ का कल्चर बैठा हुआ था, मतलब वो उनका जो ट्रेडिशनल कल्चर था वो चाइनीज़ कल्चर था। टू कंसोलिडेट देयर पावर फ्रेंच हैड टू काउंटर दिस चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, उनको अगर फ्रेंच को अपनी पावर जमानी थी, मतलब अपना हक जमाना था लोगों पे, तो उनको ये मिटाना पड़ना था, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को मिटाना पड़ना था। सो दे सिस्टमेटिकली डिसमेंटल ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम, तो उन्होंने जो उनके एजुकेशन चाइनीज सिस्टम था ना उसको हटा के फ्रेंच का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। चाइनीज लैंग्वेज इज़ यूज बाई लाइट्स, और ये इजी नहीं था, क्यों इजी नहीं था फ्रेंच वियतनामीज में फ्रेंच इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि जितने भी लोग थे वहाँ पे सब चाइनीज़ बोलते थे, बट अब उनको फ्रेंच सिखानी पड़नी थी। देयर वर टू ब्रॉड ओपिनियंस ऑन दिस क्वेश्चन, सम पॉलिसी मेकर्स एम्फेसाइज द नीड टू यूज़ फ्रेंच लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो कई जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने कहा कि फ्रेंच को इंस्ट्रक्शन के तौर पे यूज़ करो, कि जो लोग हैं वो एक दूसरे को जब जैसे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं तो फ्रेंच में पढ़ाएं। बाय लर्निंग द लैंग्वेज दे फेल्ट दैट द वियतनामीज वुड बी, और क्या उनको लगा कि अगर ये लैंग्वेज वियतनामीज को हम सिखाते हैं तो वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे हमारे फ्रेंच कल्चर पर, उनको पता चलेगा कि हमारा कल्चर कितना अच्छा है, उसके पास के अन में वो हमारे कल्चर के बारे में अच्छा पढ़ पाएंगे, जिस वो इन्फ्लुएंस होकर क्या पता फ्रेंच के कल्चर को ही अपना ले। द एजुकेटेड पे जैसा कि मैंने तो बताया, दे सजेस्टेड दैट वियतनामीज भी टॉ, फिर किसी और ने कहा कि वियतनामीज को छोटी क्लासेज में टॉट करो और फ्रेंच को बड़ी क्लासेज में टॉट करो, और जो भी बंदा फ्रेंच सीख जाएगा उसको सिटीजनशिप दे दी जाए, ठीक है। तो फ्रेंच की तो ओनली वियतनामीज इलाइट कंप्राइजिंग ऑफ द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन कुड इनरोल इन स्कूल, तो यार वियतनामीज कुछ बहुत गरीब थे, कुछ थोड़े बहुत अमीर थे, जिनके पास थोड़े लैंड्स थे, तो वही अपने बच्चों को स्कूल्स में भेज पाते थे पहली बात। और इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें आधे बच्चे जितने भी पेपर देते थे मैक्सिमम फेल हो जाते थे। 17 मिलियन बच्चों ने पेपर दिया और 400 ही पास किए गए सिर्फ, तो ताकि ज़्यादा लोग भी मतलब ना हो पाए वियतनाम के, एजुकेटेड ना हो पाए और जॉब्स भी बची रहे, तो इन्होंने ये हल्ला निकाला। फिर आता है दोस्तों स्कूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल टेक्स्ट बुक्स वाला, तो स्कूल टेक्स्ट बुक्स ग्लोरीफाइड द फ्रेंच एंड जस्टिफाइड द कॉलोनियल रूल, द वियतनामीज वर रिप्रेजेंटेड एज प्रीमियर, तो क्या किया फ्रेंच ने अपनी बुक्स इंट्रोड्यूस की जिसके अंदर वियतनामीज को उन्होंने गिरे हुए बैकवर्ड क्लास गंदे लोग बताया, उन्होंने बताया कि वो स्किल्ड कॉपीस्ट है बट क्रिएटिव नहीं है, उनके अंदर जोर नहीं है अपना कुछ कुछ करने का, और स्कूल चिल्ड्रेन थे उनको बताया जाता था कि फ्रेंच रूल है जो वही वियतनाम को बचा सकता है, वरना वियतनाम कभी भी नहीं बचेगा। वियतनामीज पीजेंट को वो कहते थे कि ये स्लेव ट्रेड करेंगे तो ये खुश रहेंगे, उनके अंदर इंफीरियर फीलिंग भर दी थी कि उनके अंदर वो कुछ कर ही नहीं सकते कभी ज़िंदगी में, ऐसी बुक्स बनाई उन्होंने। तो फिर आता है लुकिंग मॉडर्न, एक दोस्तों स्कूल था टोंकिन फ्री स्कूल जहाँ पे वेस्टर्न कल्चर के बारे में बताया जाता था, द एजुकेशन इंक्लूडेड क्लासेज इन साइंस हाइजीन, तो तीन तरह की क्लासेस थी साइंस हाइजीन और फ्रेंच। जो स्कूल की अप्रोच थी उस टाइम पे मॉडर्न में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थिंकिंग थी, बट वो इनफ नहीं थी कि वो वियतनामीज को मॉडर्न लुक करने में मदद कर सके। द स्कूल एनकरेज द एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न स्टाइल सच एज हैविंग,
तो एक इनका ये प्रपोजल था कि छोटे बाल रखो, जबकि वियतनामीज का जो ट्रेडिशनल हेयर पैटर्न था वो था लंबे बालों का। तो फिर आता है दोस्तों रिजिस्टेंस इन स्कूल्स, तो ये क्वेश्चन आ गया था, प्लीज़ इसे काटना मत, इसे भी करके जाओ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सारा तुम लोग पढ़ के जाना, ठीक है, छोड़ के मत जाना, वैसे तो मैं समझा ही रहा हूँ, चलो समझे। फिर क्या हुआ, एक बार ना एक स्कूल था साइगोन नेटिव गर्ल स्कूल, अ वियतनामीज गर्ल वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट्स, वॉज आस्क्ड टू मूव बैक, ताकि वो फ्रेंच, तो क्या हुआ, वियतनाम गर्ल बैठी थी फ्रंट में, तो फ्रेंच की, फ्रेंच वाली लड़की को बिठाने के लिए टीचर ने लड़की को कहा कि तू पीछे बैठ जा, तो इसी बात पे रिवॉर्ड खड़ा हो गया कि मैं क्यों पीछे, यार उसका भी राइट था कि ये थोड़ा वियतनामीज और फ्रेंच को सेपरेट दो कि वियतनाम है तो ज़मीन पर बिठाओ और फ्रेंच है तो पेड़ पर बिठाओ उसको या बेंच पर बिठाओ, मतलब समझ लो एक कंपैरिजन। तो प्रिंसिपल एंग्री हो गई और उसने बहुत बड़ा बुला कहा फ्रेंच को, तो सभी स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके बाद रॉयट्स किए, क्लब्स बनाए काफ़ी ज़्यादा, मतलब यंग पार्टी ऑफ यंग अना ने क्लब बनाया था, ठीक है, पब्लिशिंग, और उन्होंने जर्नल्स किए थे, अनानी स्टूडेंट एक जर्नल बना था। तो स्कूल एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बन गए थे पॉलिटिकल और कल्चरल बैटल्स के लिए, फ्रेंच थॉट टू स्ट्रेंथन देयर रूल इन वियतनाम थ्रू द कंट्रोल ऑफ एजुकेशन, तो फ्रेंच को लगा था कि वो एजुकेशन के थ्रू अपनी वो इंक्रीज़ करेंगे, मतलब अपना पावर इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन वो उन पर भारी पड़ने लग गया था, रायट्स राइज होने लग गए थे, बच्चों ने रिजिस्टेंस शुरू कर दी थी, मतलब उन्होंने फ्रेंच रूल के खिलाफ स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए थे, हाइजीन डिजीज एंड एवरी डे रिजिस्टेंस। तो यार प्लेग स्ट्राइक्स इन हनोई, तो एक बहुत बुबोनिक प्लेग शुरू हो गई हनोई के अंदर, जिसके रहते हनोई को साफ करने के लिए स्टेप्स उठाए गए, तो हनोई को जब रीबिल्ड किया तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जहाँ पे एक पुअर लोग रहते थे, जहाँ पे रिच रहते थे, तो जो रिच लोग रहते थे ना उनके लिए वेल सीवर सिस्टम सब कुछ बनाया गया था, तो उनको ये नहीं पता था कि जो सीवर सिस्टम्स होंगे वहाँ पे रैट्स का पैदा होना शुरू हो जाएगा, तो रैट्स पैदा होनी शुरू हो गई, रैट्स पैदा होकर उन्हीं के घर में जाने लग गई, मॉडर्न पीपल के घर सीवेज के थ्रू, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लीनिंग का पार्ट था वही उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया मॉडर्न पीपल के लिए जो अमीर लोग थे। तो उन्होंने क्या किया, पुअर वियतनामीज को हायर करना शुरू कर दिया कैट्स पकड़ने के लिए, और रैट्स पकड़ने के लिए सॉरी, तो क्या करने लग गए, हर रैट का वो उनको पैसा देते थे जो भी वो रैट पकड़ते थे, वियतनामीज़ को लगा कि ये तो अच्छा मौका है कि इनसे पैसे लेने का, तो जो भी इन्होंने क्या किया कि रैट के पैसे तब मिलते थे जब पूंछ काट के दिखा दी जाती थी एज अ साइन ऑफ रैट, तो कई लोगों ने तो रैट्स को पालना शुरू कर दिया, और कई लोग क्या करते थे रैट की पूंछ काट के उसको फिर से छोड़ देते थे, तो ऐसे करके लोगों ने तो इसको अपना बिजनेस ही बना लिया। तो धीरे धीरे फिर बाद में जब थोड़ी मूवमेंट्स हुई तो इसको बंद करवाया गया, और काफ़ी स्टेप्स लिए गए फ्रेंच के थ्रू इनको मारने के लिए, रैट्स को, और ख़त्म करने के लिए। फिर आता है दोस्तों रिलीजन एंड एंटी कलोनियलिज्म, तो यार वियतनाम के अंदर ना बिलीव्स थे बुद्धिज़्म के, कॉन्फ्यूशियनिज्म और लोकल प्रैक्टिस, क्रिश्चियनिटी नहीं थी पर वो फ्रेंच ने इंट्रोड्यूस की थी, और वो वियतनाम पीपल को कन्वर्ट कर रहे थे, फ्रेंच लो, कन्फ्यूशियस चाइनीज थिंकर डिवेलप द, ये यार ऐसे जो बॉक्सेज होते हैं ना उनको पढ़ के जाना चाहिए, काफ़ी आइडिया मिलता है चैप्टर के बारे में। कॉन्फ्यूशियस चाइनीज थिंकर डिवेल्प द फिजिकोलॉजिकल सिस्टम बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट, देखे कितना टाइम की वीडियो बन गई भाई, अरे 18 मिनट की वीडियो बन गई। पीपल वर टॉट टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स एंड सबमिट टू एल्डर्स, दे वर टोल्ड दैट रिलेशनशिप बिटवीन द रूलर एंड द पीपल वॉज द सेम एज बिटवीन द चिल्ड्रेन एंड द पेरेंट्स, तो ये बंदा वधिया था, चाइनीज थिंकर था, और समझाता था लोगों को कि कैसे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और ये वो, ठीक है। फिर उसके आता है दोस्तों नगू आन एंड हातिन प्रोविंसेस वर 1000 कैथोलिक्स वर किल्ड, कैथोलिक मिशनरीज हैड टू अराइव इन विनिंग कॉन्वर्ट्स सिंस द अर्ली 7th सेंचुरी, बाय द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी हैड कन्वर्टेड सम 3 लाख, द फ्रेंच क्रश द मूवमेंट बट द अपराइजिंग सर्व्ड टू इंस्पायर द पैट्रियट्स ऑफ द राइज अप अगेंस्ट देम, द इलाइट्स इन वियतनाम वर एजुकेटेड इन चाइनीज एंड कॉन्फ्यूशियनिज्म बट रिलीजियस बिलीव्स अमंग द पीजेंट्री वर शेप बाय अ वेराइटी ऑफ सिंथेटिक ट्रेडिशंस दैट कम्बाइंड बुद्धिज्म एंड लोकल बिलीव्स,
देयर वर मैनी पॉपुलर रिलीजन्स इन वियतनाम दैट फर्स्ट स्प्रेड पीपल हु क्लेम दे हैव सीन विजन ऑफ गॉड। तो यार ऐसे काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस के कारण लोग नए नए खड़े होने लगे और अपने रिलीजन बनाने लगे। एक ऐसे ही बंदा था दोस्तों, हुआई फूसो। हुआई फूसो ने परफॉर्म मेरे पुअर की हेल्प करता था और कहता था कि ब्राइड्स ग्रैम्बलिंग, और ये बंदा वदिया था, और कहता था कि ब्राइड्स गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना और अल्कोहल और ओपियम का यूज़ करना गलत है। तो फ्रेंच ने इसको मूवमेंट को ख़त्म करने की कोशिश की, उसको मैड कहा। कॉल ये पूछ लेते पेपर में मैड बॉन्स कौन था, हुआई फूसो, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली दे प्रूव हिम इनसेन भी के, तो उन्होंने जो डॉक्टर ने जिसको जिसने इसको इनसेन कहा था वही इसका फॉलोअर बन गया। तो फ्रेंच ने उस डॉक्टर को भी मतलब कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया, जहाँ पे दिमाग ख़राब लोगों को भेजा जाता था। उनको मार पीट के समझाया जाता था कि ये बात अगर तूने की तो तेरे को मार देंगे, मतलब उनकी कंसंट्रेशन को अलग जगह डाइवर्ट किया जाता था। तो द विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो यार अब टाइम आ गया था कि हमें वियतनाम को छुड़ाना है। तो काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्ट खड़े हुए, जैसे फैन बॉय चू और फैन चू त्रिन। तो फैन बॉय चू चाहता था कि वो मोनार्क रूल को फेवर करता था, और जो फैन चू त्रिन था वो मोनार्क रूल को फेवर नहीं करता था। फैन बॉय चू भी एक तरह से चाहता था कि मोनार्क रूल ना हो, बट वो मोनार्क रूल के थ्रू बंदों को बाहर भगाना चाहता था। लेकिन जो फैन चू त्रिन था वो कहता था मोनार्क को पहले ख़त्म करो और इन बंदों को फिर बाहर निकालो। तो और ये इसके काफ़ी डिफरेंसेज हैं, आप इसको डीपली पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। वो मेरी जो पिछली वीडियो है उसके अंदर मैंने सारे डिफरेंस इसके लिखवाए भी थे। तो ठीक है, फिर इसमें हो चिन मिन त्रिन की ट्रेल, तो यार ये वाला तुम ज़्यादा मतलब पढ़ो मत, ठीक है। ये काफ़ी फान चू त्रिन के बारे में बताया गया है सब। फिर इन्होंने बताया गया कि हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखी थी फान चू त्रिन ने, फान बॉय चू ने, लियांग की चाओ ने लिखी थी फान बॉय चू के इन्फ्लुएंस में आकर। और रिपब्लिक की डेफिनेशन याद कर लेना, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पॉपुलर कंसेंट ऑफ पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन पावर ऑफ पीपल अपोज टू मोनार्की। तो कितना टाइम की वीडियो हो गई है हमारी, 22 मिनट की वीडियो बन गई है। तो इसमें कुछ ज़्यादा मतलब तुम ये पढ़ सकते हो, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है कि कैसे फैन बॉय चू और फान चू त्रिन ने डिफरेंट ऑर्गेनाइज। फिर आती है दोस्तों गोइस्ट मूवमेंट। गोइस्ट मूवमेंट ने क्या हुआ, 300 वियतनामी स्टूडेंट्स जापान गए मॉडर्न एजुकेशन पर। उनका मेन मकसद एजुकेशन लेना ही था, उनका मेन मकसद था फ्रेंच को वियतनाम से निकालना। तो वो फॉरेन ट्रूप्स की हेल्प लेने गए, वो जापान में गए। जापान में उन्होंने अपील की, उनको कहा कि आप फेलो एशियन हो हमारी मदद करो, पर जापान ने तो उनको ही बाहर निकाल दिया। और फान बॉय चू और उनको कहा कि तुम जाके चाइना और थाईलैंड में जाके मांगो, और फिर उन्होंने चाइना और थाईलैंड में जाके भी मांगी, लेकिन उनको कहीं पर भी सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद आता है दोस्तों द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड द वे। तो क्या हुआ, फिर एक हो ची मिन ब्रॉट, एक बंदा खड़ा हुआ हो ची मिन, ठीक है। उसने क्या किया, एक वियतनामिस कम्युनिस्ट बनाई, वियतनाम को सैंग डैंग पार्टी, जिसके अंदर उसने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशंस बनाई ऑफ द यूरोपियन कम्युनिस्ट पार्टीज। उसने मतलब बंदे इकट्ठे करने शुरू किए। इन 1940 जापान ऑक्यूपाइड वियतनाम एज अ पार्ट ऑफ इंपीरियल ड्राइव ऑफ सो नेशनलिस्ट नाउ। तो अब क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट थे वो पहले तो वियतनाम को फ्रेंच से छुड़ा रहे थे, फिर जापान ने भी उन पर हमला कर दिया। जापान के हमले के बाद उनको दोनों से लड़ना पड़ता था। द लीग ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, उसका नाम वियतमिन रख दिया, वियतमिन जिसको कहा जा से भी जाना जाता था। उसने जापानीज से लड़ाई की और हनोई को कैप्चर किया, और फिर वियतनाम हुई मतलब फिर लड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद वियतनाम को रिस्टोर कर लिया गया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम फॉर्म की गई। द न्यू रिपब्लिक फेस्ड अ नंबर ऑफ चैलेंजेस, फ्रेंच ट्राइड टू रीगेन कंट्रोल। बहुत फ्रेंच ने रीगेन करने की कोशिश की। जनरल हेनरी नवारे जो कि फ्रेंच का कमांडर था, उसने भी यही कहा कि हम जल्दी ही वियतनाम पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन वियतनामिन ने ऐसा होने नहीं दिया। तो फिर ऐसे लड़ाई चलती रही और एंड में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने फ्रेंच को भगाकर मदद की। With the help of जैसे लिखा है, विद द हेल्प ऑफ हो चिन मिन गवर्नमेंट इन द नॉर्थ, देन एफ एल फॉट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। फिर आती है दोस्तों द US। अब क्या हुआ, जैसे ही वियतनाम को फ्रेंच से बचाया और जापान से बचाया, ये इधर आ गई US पंगा लेने। पता नहीं ये क्यों इनको लत लग गई कि चलो चले मारे हम भी। तो US तो काफ़ी ताकतवर थी। द एंट्री ऑफ US इन टू द वॉर,
US entry was marked as a new phase which proved costly to the Vietnamese. From 1965 to 1972, 34,3,100 बंदे US services served in Vietnam. ठीक है, तो बताया कि US आ गई, US ने वियतनाम के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया. उन्होंने एजेंट ऑरेंज का भी यूज़ किया, जो दोस्तों उन्होंने सारे फॉरेस्ट ही काट दिए क्योंकि लोग फॉरेस्ट में छुप जाते थे. तो उन्होंने क्या किया, ऐसा एक वो डिवेल्प किया जिसको उन्होंने फॉरेस्ट पर डाल दिया और काफ़ी फॉरेस्ट के लोग, सारे फॉरेस्ट सड़ गए जिससे उनको मारने में आसानी हो गई. और उसके अंदर एक प्रोडक्ट होता है डायऑक्सिन, जिसके कारण चिल्ड्रेन को कैंसर हो गया या ब्रेन डैमेज हो जाता है, और ये इसके ट्रेड्स आज तक भी दिख रहे हैं. और दोस्तों नपाम और एक ये भी यूज़ किया गया था जिसके अंदर इसको अगर किसी की बॉडी पे लगा दे तो वो चिपक कर भी बर्न करता रहता है, रुकता ही नहीं है बर्न करना. और काफ़ी ज़्यादा मतलब वॉर चलती रही, तो वॉर के दौरान एक हो चिन मिन ट्रेल बनाई गई. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हो चिन मिन ट्रेल इज़ द वन वे, तो US को फाइट करने के लिए ये ट्रेल को समझ जाते हैं, समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि वियतनाम ने कैसे फाइट किया. इन्होंने दोस्तों एक ट्रेल बनाई जिसमें रात को काम होता था, सुबह काम होता था, छुपके काम होता था. तो ये क्या करते थे, इन्होंने जगह जगह पे इन्होंने वो अपने सेंटर्स बना लिए थे, हॉस्पिटल्स बना लिए थे, और लोग वुमेन का बहुत बड़ा रोल होता था. वुमेन कैरी करती थी अपने वो क्या कहते हैं उसको, वुमेन क्या करती थी साइकिल्स पे या तो अपने कैरी करती थी 70 किलो या 25 किलो अपने बैग पे सामान कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह बन जाती थी. और ट्रूप्स भी इसके थ्रू मूव करते थे. और US बहुत कोशिश करता था इस रूट को ताकि वो US के खिलाफ लड़ सके. US बॉम्ब कर देता था इन रस्तों को ताकि काफ़ी डिस्ट्रक्ट और इनका प्लान ना सक्सेसफुल हो. लेकिन जो वियतनाम के बंदे थे जो भी इस ट्रेल को चला रहे थे वो फटाफट इसको फिर से रिस्टोर करते थे. तो ये ट्रेल एक साइड चल रहा था, साइड पे हो रहा था जिससे वियतनाम को रेगुलर सप्लाई मिलती थी ट्रूप्स की और लड़ने में आसानी हो रही थी US के साथ. फिर वुमेन की बात की गई है दोस्तों कि कैसे वुमेन पहले तो इंडस्ट्रीज़ में काम करती थी और उसके बाद काफ़ी राइटर्स वुमेन मतलब उन्होंने वुमेन को प्रेस किया, जैसे ट्रंक सिस्टर जो चाइनीज से लड़कर उन्हें बचाती थी. और वुमेन भी, वुमेन ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया है रिबेल टाइम्स में, जैसे कि वो पिकेटेड, जैसे कि हमने नेशनलिज्म ऑफ इंडिया जिन्होंने पढ़ाया जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, उसमें भी वुमेन का क्या रोल है कि वो कैसे वुमेन बचाती थी मतलब पिकेट करके और रोक के रस्ते. ठीक है, तो फिर यार मैं इसलिए जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि यार दोस्तों टाइम तुम देख रहे हो 27 मिनट की बन गई है, मेरे को 40 मिनट से ऊपर लेके नहीं जाना इसको. तो यार वुमेन एज वॉरियर्स, तो जो वुमेन थी वो वॉरियर्स भी थी. कितनी फ़ोटोज़ और वो डिपिक्ट की गई हैं कि वुमेन कितनी एग्रेसिव होती थी और कैसे वो अपनी मिसाइल से प्लेन्स को उड़ा रही हैं, तो ऐसी फ़ोटोज़ भी डिस्कवर की गई हैं. पहले वुमेन को घर में काम करने वाला था, फिर उनको इंडस्ट्रीज़ में लाया गया. ये सारा इस चैप्टर में लिखा है, मैं आपको समरी दे रहा हूँ कि फिर वुमेन को इंडस्ट्रीज़ में लाया गया, फिर वुमेन फोर्स अपनी आर्मी में भी सर्व करती थी. तो वुमेन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. फिर आता है दोस्तों एंड ऑफ वॉर, जिसके अंदर काफ़ी TV के इन्फ्लुएंस के थ्रू और काफ़ी राइटर्स ने प्रेस की वियतनामी. फिर एंड में एक पीस ट्रीटी साइन की गई जिसके अंडर ये वॉर एंड हुई नोआम चॉम्स्की में. और फिर जो NLF थी वो फिर भी फाइट कर रही थी अपने पैलेस को बचाने के लिए साइगोन रेजाइम के साथ. तो बाद एंड में उन्होंने साइगोन पैलेस पे अपने पैलेस पे कब्ज़ा कर लिया और यूनिफाई कर दिया वियतनाम को 1975 में. तो तुम देख सकते हो कि 1945 में वियतनाम को जब फ्रेंच से इंडिपेंडेंस मिली तो 75 तक उनको फिर भी लड़ना ही पड़ा. कितनी कंट्रीज़ ने उन पर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली स्टोरी इनकी बताई गई है. दोस्तों अगर हम अगले चैप्टर पे आते हैं तो वो है दोस्तों हमारा, एक मिनट, नंबर 1 नेशनलिज्म इन इंडिया. दोस्तों पहले पेज पे कुछ नहीं है, ठीक है, बस इसमें यही वियतनाम की बात की गई थी पहले. उसके बाद हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे आ जाते हैं दोस्तों, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर लोग कैसे जागरूक हुए कि उनको इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है, कैसे मतलब विलेजेस के अंदर मतलब फोर्स रिक्रूटमेंट की जाती थी, विलेजर्स को ले जाते थे, उनका मन भी नहीं होता था आर्मी में जाने का तो भी जाते, क्रॉप फेलियर के कारण लोगों को खाना नहीं मिलता था, टैक्सेस इम्पोज कर दिए लोगों पे. तो वर्ल्ड वॉर बहुत बुरी रही. फिर दोस्तों ये सारा चैप्टर हमें यह बताता है कि महात्मा गांधी जी की एंट्रेंस के बाद कैसे बदलना शुरू हुआ दोस्तों. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है, तो महात्मा गांधी जी सत्याग्रह लेके आए. सत्याग्रह से उनका मतलब था कि जो ट्रुथ
एंड नीड। तो जो सत्याग्रही था वो एम्फेसाइज ऑन द पावर ऑफ ट्रुथ, वो सच्चाई की पावर पे एम्फेसाइज करते थे, और वो कहते थे कि नॉन वायलेंस में ट्रस्ट करना चाहिए बिना लड़े धड़े। अब मैं अपनी मतलब ट्रुथ के साथ चलकर हमें हमारे देश को आज़ाद कराना है, ये सत्याग्रह का मोटिव था। तो गांधी जी बहुत सारी जगहों पर अपने कैंपेन्स करते थे। 1916 में वो चंपारण इन बिहार गए, 1917 में वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गए, और 1918 में वो अहमदाबाद गए जहाँ पे उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स की मदद की, और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने प्लेग एपिडेमिक के कारण जो भी फार्मर्स को स्ट्रगल मिली थी रेवेन्यू से बचाने के लिए उन्होंने वहाँ पे की। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना मतलब धीरे धीरे लोगों के बीच में ये उत्सुकता जागरूक करनी शुरू कर दी। फिर दोस्तों उन्होंने रोलैक एक्ट इम्पोज कर दिया, जिसके तहत वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर सकते थे, कितने साल के लिए, 2 सालों के लिए अरेस्ट कर सकते थे, और बिना किसी उसके वजह के, अगर वो कोई गलत काम करते थे, ठीक है, तो मतलब कोई प्री प्रोटेस्ट या ऐसा कुछ करते थे। तो रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड रॉलेट एक्ट के पास करने के बावजूद भी, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इसका बहुत ज़ोरदार जवाब दिया, क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। फिर जब तक महात्मा अमृतसर में भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई मार धाड़ हुई, कितने ही लोग मर गए, और मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया जिसके अंदर जनरल डायर ने अपनी कमांड ले ली। तो फिर हुआ दोस्तों जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसके अंदर जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे, कई लोग बैसाखी फेयर के कारण आए थे और कई लोग डिस्कस करने आए थे ब्रिटिश के क्रूअल और बिट्रे रूल को, बिट्रे रूल को। तो क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे, तो जो जनरल डायर था वो आया पीछे से छुप के, उसने क्या किया, गेट लगाया सारी तरफ से बंद करके, फायरिंग कर दी निहत्थे लोगों पे, कितने लोग मर गए, जिसके कारण गांधी जी ने अपनी सत्याग्रह मूवमेंट को बंद कर दिया। और फिर उसके बाद दोस्तों गांधी जी को काफ़ी सदमा लगा पूरे देश को इसके बाद, जलियांवाला बाग के बाद। तो गांधी जी ने सोचा कोई कलेक्टिव मूवमेंट बनानी पड़ेगी, और ये बिना मुस्लिम्स के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तब 2 ही रिलीजन ज़्यादा होते थे, हिंदू मुस्लिम्स। तो हिंदू कल्ले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं खिलाफत इशू को उठाऊं। खिलाफत इशू में दोस्तों खलीफा की जो पावर थी उसको डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे के अंदर। तो उन्होंने मोहम्मद अली और शौकत अली से बात की महात्मा गांधी ने, और एक ऐसी कॉपर मूवमेंट बनाने की सोची जिसके अंदर वो मतलब ब्रिटिश रूल को अपोज करेंगे। तो हिंद स्वराज जो कि महात्मा गांधी की फेमस बुक है, उसमें उन्होंने कहा कि नॉन कोऑपरेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें तो हमारे को स्वराज मिल जाएगा। स्वराज का मतलब है दोस्तों इंडिपेंडेंस, और अगर ब्रिटिश रूल इतना बढ़ चुका है वो इसी कारण बढ़ा है क्योंकि हम लोग उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट, गांधी जी ने कहा कि ये मूवमेंट छोटे छोटे स्टेजेस में खोलनी चाहिए। पहले गवर्नमेंट के टाइटल्स को हमें बॉयकॉट करना पड़ेगा और अपनी खादी क्लोथ बना के डालनी पड़ेगी, ये अभी नहीं है सॉरी। उन्होंने कहा कि लोगों को जॉब्स छोड़नी पड़ेंगी, सर्विसेज, आर्मी, ऐसा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। देन द गवर्नमेंट अगर कोई रिप्रेस करती है तो एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी और शौकत अली पूरी ये नॉलेज फैलाते हुए इधर उधर घूम रहे थे। फिर इन्होंने एक बताया कि मूवमेंट इन टाउन, लोग काफ़ी खुश हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, सबने बॉयकॉट कर दिए गुड्स, और सबने टीचर टूचर सब छोड़ दिया सबने। बट कितना टाइम तक छोड़ सकते थे, जो इंडियन स्कूल्स थे वो काफ़ी छोटे, पैसे कम थे और खुलने में बहुत टाइम लगता था, जिसके कारण लोगों को भी वापस अपने काम पर जाना पड़ा। तो ये तो केस ख़त्म ही हो गया। रेबेलियन ऑन दी कंट्री साइड, तो यार पहले ही हमें बताते हैं बाबा रामचंद्रा कि इन्होंने कैसे जो बेगार लेने वाले वो हैं उनकी कैसे मदद की। और उसके बाद हमारे को गुरिल्ला मूवमेंट के बारे में बताते हैं, जिसमें हमें अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में बताया गया है कि कैसे वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कहता है कि वो गॉड का वो है, गॉड ने उसको भेजा है, इनकारनेशन ऑफ गॉड है, और वो कहता है कि वो लोगों को ठीक कर सकता है, बुलेट को सह सकता है। तो उसने कहा कि वो गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बहुत प्रभावित हुआ है, पर इंडिया को छुड़ाने के लिए नॉन वायलेंस की ही ज़रूरत पड़ेगी, वायलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, नॉन वायलेंस से इंडिया नहीं छूट रहा तुम्हारा। फिर आता है टूवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस दोस्तों, फिर आया साइमन कमीशन इंडिया के अंदर। साइमन कमीशन के आने के बाद उसको बहुत अपोज किया गया, क्यों आ रहा है,
क्योंकि एक स्टेट्यूटरी गवर्नमेंट कमीशन खड़ी की गई थी जिसका हेड था सर जॉन साइमन, और इसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें, पर इंडिया का कोई भी बंदा नहीं था उसके अंदर, तो वो कुछ भी रूल उठा सकते थे, इंडिया के खिलाफ कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बुलाया गया, लेकिन गांधी जी ने इसको मना कर दिया। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इरविन को भेजा, गांधी जी ने इरविन को 11 डिमांड्स भेजी, और जिसके अंदर एक सॉल्ट की डिमांड थी कि सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स है उसको हटाया जाए, क्योंकि सॉल्ट गरीब और पुअर के लिए एक ही जैसा था, गरीब खाए सॉल्ट या पुअर खाए सॉल्ट एक ही बात थी। तो महात्मा गांधी की जो लेटर थी वो एक्सेप्ट नहीं गई गई, तो उन्होंने डांडी मार्च शुरू की। डांडी मार्च, एक मिनट दोस्तों, तो इन्होंने डांडी मार्च शुरू की, वॉलंटियर्स 24 डेज तक वॉक करते थे, 10 माइल्स अ डे, थाउजेंड्स केम टू हेयर महात्मा गांधी, वेयर एवर ही स्टॉप्ड ही टोल्ड देम वॉट ही मेंट। तो वो अपनी साथ साथ नॉलेज भी फैलाते जा रहे थे डांडी मार्च के थ्रू। तो यार फिर गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया, जिसके कारण काफ़ी रिबेल्स खड़े हुए। घर अरेस्ट होने के बाद गांधी जी ने कॉन्फ्रेंस में बैठे पर डिसअपॉइंट होकर वापस आना पड़ा। तो फिर इसके अंदर, और फिर जब उन्होंने देखा कि जवाहरलाल नेहरू और गफ्फर खान जैसे लोग जेल में चले गए और कांग्रेस मतलब सारा पॉलिटिकल रूल पे आ गया, तो पूरा देश बिगड़ चुका था, जितनी उनकी मेहनत थी वो सब खराब हो रही थी। तो उन्होंने कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चली। इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ लाइक द पतीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जट्स इन द उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट, बींग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। तो यार फिर इसमें हमें बताया गया है कि क्या कैसे लोग देखते थे, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा पेपर में समझने की, रीडिंग ले लेना कर दी। मैंने सच्ची कट में, मेरे को मैं नहीं करके जा गया था अपने टाइम में, मेरे को तो आया नहीं था, और मैंने बोर्ड के पेपर देखे हैं उसमें भी पूछ, अगर तुम करना चाहते हो तो तुम कर लो। फिर आता है दोस्तों पूना पैक्ट, जिसके अंदर डॉक्टर ए आर अम्बेडकर की बात, बी आर अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने इलेक्टोरल राइट्स मांगे थे पुअर पीपल के लिए या डिप्रेस क्लासेस के लिए। तो वो गांधी जी के साथ सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनकी बातचीत हुई, जिसके अंदर गांधी जी ने कहा कि अगर आपने ये सेपरेट सेपरेट कर दिया तो हमारी तो सोसाइटी में वही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दलित्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे उनकी मूवमेंट्स के अंदर। तो जिसके कारण वो फास्ट के अंडर चले गए, डेथ फास्ट के अंदर चले गए, पर फिर अंबेडकर एग्री कर गए और इसको पूना पैक्ट का नाम दे दिया गया। तो ये फिर इसके बाद मुस्लिम्स का बताया गया कि कैसे मुस्लिम्स को लगने लग गया था कि वो एलियनेट हो रहे हैं। तो ये भी तुम लोग पढ़ सकते हो, यार वीडियो लंबी जा रही है, सॉरी। तो फिर आता है दोस्तों कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस क्या होती है। तो यार जब नेशनलिज्म पहले भारत माता के देखने लोग देखने लगे कि कैसे भारत माता जी को देखा जाने लग गया एज अ पोर्ट्रे, इंडिया को डिस्क्राइब करते थे वो स्पिरिचुअल लेडी की तरह ड्रॉ किया गया काफ़ी राइटर्स के द्वारा। फिर फोकलोर को रिवाइव करने के लिए कैसे मतलब कितने सारे वो बने, मूवमेंट्स बने, और हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी एक फोक रिवाइवल मूवमेंट शुरू की। फिर नतेशा शास्त्री जी ने एक अपनी 4 वॉल्यूम कलेक्शन लिखी तमिल फोक टेल्स की। एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डिवेलप, द नेशनलिस्ट लीडर्स बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिम्बल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन दैम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राइकलर फ्लैग। तो ऐसे यार फ्लैग्स बनने लगे स्वदेशी तो मतलब फ्लैग्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे। तो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का मतलब है कि कैसे लोगों को जागरूकता मिली, कैसे नेशनलिज्म इंक्रीज़ हुआ, कैसे लोगों ने मतलब अपने आप को एक वो शुरू किया कि हम इंडियंस हैं, वी आर इंडियंस, वी नीड, हमें भी राइट्स चाहिए अपने। फिर एंड में दोस्तों हिस्ट्री रिवाइवल कैसे की गई, लोगों ने बुक्स रिस्टोर करनी शुरू की जो लिखी गई थी बुक्स, उनके द्वारा बड़े बड़े लोगों द्वारा जो बुक्स लिखी गई थी उनको उन्होंने रिस्टोर करना शुरू किया। तो ये था आपका हिस्ट्री रिवाइवल, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस चैप्टर पे आते हैं दोस्तों, तो दुर्गाचरण रे ने एक नॉवल, वर्क लाइफ लेवर, जो दुर्गाचरण रे ने एक नॉवल लिखी थी दिबांगर मारते आगमन, इस नॉवल के अंदर उन्होंने बताया कि कैसे जो ब्रह्मा जी थे वो आए कोलकाता घूमने। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी शिप्स हैं, तो उन्होंने सोचा कि वो हेवन में भी एक कोर्ट है ऐसा कुछ बनवाएंगे। पर वो एक और चीज़ से इफेक्ट हुए थे, जो कि थी वहाँ पर रॉबरी, और लोग कितने टिकरी थे, लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए कितनी ईर्ष्या थी, वो कितने मतलब एक दूसरे से इन्फीरियरली बिहेव करते थे, ठीक है। उसके बाद आती है दोस्तों, इन्होंने हमसे बात किया है ये मॉडर्न सिटी जो कि है हमारी
लंदन की बात की इन्होंने पहले हमसे, तो कहते हैं कैसे मैनचेस्टर और लीड्स के अंदर लोग आने लग गए, लोग मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, इंडस्ट्रियल सेगमेंट की तरह उसको देखा जाने लगा। 19th सेंचुरी में कई पोइट्स और राइटर्स ने कहा कि ये एक सिटी है जहाँ पे टैलेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड आर्टिजन्स हैं, और यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी इंडस्ट्रीज़ की भी साथ साथ, और पीपल एम्प्लॉयमेंट काफ़ी थी यहाँ पर, क्लोदिंग एंड फुटवेयर के अंदर, फूड और वुड और फर्नीचर के अंदर, मेटल्स और इंजीनियरिंग के अंदर। फिर आते हैं दोस्तों मार्जिनल ग्रुप्स, ये क्राइम की बात करते हैं, तो लंदन की जो स्ट्रीट्स थी वहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स थे, तो जो हेनरी मेयू थी उसने वॉल्यूम्स बनाई थी, और जो फिलैंथ्रोपिस्ट इसके ऊपर और जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे वो देख रहे थे कि इससे तो बहुत बुरा असर पड़ेगा जो हमारे लोग रहने वाले हैं उनके ऊपर, लोगों की मेहनत के ऊपर, तो सब ये चल रहा था। तो क्या किया गया गवर्नमेंट की तरफ या पुलिस के क्या स्टेप्स लिए गए कि जो मतलब जब उन्होंने देखा कि ज़्यादातर क्रिमिनल्स पुअर पीपल थे जिनके पास काम नहीं था, और कुछ ऐसे थे जो बहुत तेज थे अपने काम के अंदर और काफ़ी ज़्यादा ट्रिक थे और ट्रिकरी करते थे और काफ़ी स्किल्ड थे वो, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया ज़्यादा पैसे क्या कहते हैं उसको पेनल्टीज इम्पोज करनी शुरू कर दी क्राइम पर, और उन्होंने डिजर्विंग पुअर को जॉब्स दे दी। और उसके बाद उन्होंने वुमेन और चिल्ड्रन के बारे में भी बताया है कि वुमेन कैसे एम्प्लॉय की गई फैक्ट्रीज़ के अंदर, और ज़्यादातर वुमेन को वेज वो जो डिफरेंस होता था, और जो वुमेन थी वो घर में भी काम करती थी बाहर भी काम करती थी ताकि फैमिली इनकम, चिल्ड्रेन भी काम करने लग गए थे, बट एक इंडस्ट्री के अंदर फोर्स किया गया था पेरेंट्स के द्वारा कि पैसे मिलेंगे। पर किसी एक राइटर ने बताया कि अगर वो थीफिंग करता है तो वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है मैच बॉक्स बनाने से। और चिल्ड्रेन को फिर एक एक्ट किया गया था कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट, जिसके तहत तो उनको फिर इससे दूर किया गया। फिर आता है दोस्तों हाउसिंग, हाउसिंग में दोस्तों टेनेंट्स की बात की जाती है कि कैसे जो अमीर लोग थे उन्होंने टेनेंट्स बना दिए थे, और जो टेनेंट्स होते थे वो ओवर क्राउडेड होते थे, मतलब 9 से 10 लोग एक ही छोटे से रूम के अंदर रहते थे, और उस टेनेंट के अंदर पहले तो उनको रेंट भी देना पड़ता था, और जो टेनेंट था वो काफ़ी गंदा था, क्लीन नहीं था, और जिसके कारण काफ़ी इश्यूज रेज हुए क्योंकि ये रायोट में भी लीड कर सकता था। तो फिर एक क्लीनिंग ऑफ लंदन का एक वो स्टेप उठाया गया लंदन गवर्नमेंट द्वारा कि लंदन को क्लीन किया जाए, और उन्होंने बड़ी बड़ी प्लेसेस डेवलप करनी शुरू की, और आर्किटेक्टर्स के द्वारा उन्होंने एक न्यू सिटी को कंस्ट्रक्ट किया। ट्रांसपोर्ट इन सिटी के अंदर दोस्तों ये हमारे को बताते हैं कि कैसे जो ट्रांसपोर्टेशन डेवलप की गई थी, सबसे पहली अंडरग्राउंड सिस्टम डेवलप किया गया था, और कई राइटर्स का ये कहना था इसके डीमेरिट्स बताते थे कि अंदर लोग सिगरेट्स पीते थे जिसकी स्मेल पूरी उधर फैली हुई थी, और ऑक्सीजन की कमी लगती थी, और कई लोग तो अंडरग्राउंड जाने से डरते थे कि वो वहीं पर ना रह जाएँ। और इसके डीमेरिट्स ये थे कि 900 हाउसेस को तोड़कर 2 माइल की रेलवे बनती थी, जिसके कारण काफ़ी पुअर को बाहर अंदर मतलब काफ़ी उनका घर घुर डिस्प्लेस हो गया, और काफ़ी पुअर को तो बेचारों को रहने को भी जगह नहीं मिली थी, बाद में उनके घर तो तोड़ दिए गए और गवर्नमेंट ने उनको पैसे भी नहीं दिए। येट ये एक ह्यूज सक्सेस रहा काफ़ी लोगों के लिए, जो भी वर्किंग क्लास थी वो अब आउटसाइड ऑफ सिटी रहकर भी सिटी के अंदर काम कर पाते थे, जबकि बड़ी बड़ी मेट्रोपोलिशन सिटीज़ भी ये पॉसिबल नहीं था। फिर सोशल चेंज इन द सिटी आया दोस्तों, तो जो वुमेन थी कैसे फैमिलीज़ के अंदर वुमेन के काम करने से बॉन्ड्स टूट रहे थे, मैरिजेस टूट रही थी, और कि वुमेन को प्लान किया गया था कि वुमेन को ना करे इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद लेजर और कंजम्पशन के लिए दोस्तों जो बड़े जो बहुत अमीर थे उनके लिए ओपेराज और ये सब खुल गए, जो वर्किंग क्लास थी उनके लिए पब्स खुल गए, ठीक है, और जो लार्ज स्केल एंटरटेनमेंट के लिए लाइब्रेरीज और गैलरीज खुल गई, कॉमन पीपल के लिए सिनेमा मिक्स ऑडियंसिस के लिए खुल गए, और जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनको बीचेस पे लेजर मिलता था तो उनके लिए बीचेस खुले। टेवर्न की बात बताई गई है दोस्तों, टेवर्न होता है जैसे वो जो गाड़ी नहीं होती थी, जो टेवर्न होता है जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, जो जैसे जो गाड़ी नहीं होती जिसके अंदर लोग आते थे पुराने जमाने में, घोड़ा जैसे लदा जैसे इस पिक्चर में दिखाया है, तो घोड़ा वाले जो ये जो थक जाते थे, तुम कह सकते हो एक होटल की तरह होता था, इसमें रहने की जगह भी होती थी, लोगों को खाना पीना भी मिल जाता था, और वो रेस्ट भी कर पाते थे इस जगह पर रुक के। पॉलिटिक्स इन द सिटी दोस्तों, इसमें ब्लडी संडे की बात की गई है कि कैसे पुअर इतने लोग थे और काम इतना कम हो गया था जिसके कारण रेबेलियंस छिड़े, और एक बार तो इतना ज्यादा रेबेलियन बड़ा हो गया जिसके कारण ब्लडी पुलिस को बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी लोग मरे और पुलिस ने इसको काफ़ी ब्रूटली रिप्रेस किया। फिर उन्होंने बताया कि एक और स्ट्राइक ली गई 12 डे की स्ट्राइक डॉक वर्कर्स के द्वारा, जिसके अंदर ना एक भी शीशा टूटा और बहुत ही साइलेंट वो थी ये स्ट्राइक, ठीक है। तो
फिर आता है दोस्तों इंडिया में, जिसके अंदर है बॉम्बे के बारे में बताते हैं दोस्तों। ये कहते हैं कि बॉम्बे 7 आइलैंड्स में स्प्लिटेड था, और जो बॉम्बे वो एक आइलैंड का पार्ट था, और ये पहले प्रोटीगोज पीपल इसको रूल करते थे, लेकिन जब किंग चार्ल्स की मैरिज हुई ब्रिटिश के, तो ये बॉम्बे ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया। बॉम्बे के अंदर कॉटन और ओपियम का इम्पोर्ट होता था, तो काफ़ी लोगों ने बॉम्बे के अंदर अपने वो खोलनी शुरू कर दी, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती गई बॉम्बे की, और वुमेन को भी 23% ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन को भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर मिली। हाउसिंग के अंदर दोस्तों बहुत बुरा हाल था, लंदन के अंदर 8 बंदे रहते थे एक घर में, और बॉम्बे के अंदर 20 बंदे रहते थे एक घर के अंदर, और मतलब काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी इधर उधर, ठीक है। और फिर चॉल्स बनाए गए, टेनेंट्स की तरह चॉल्स बनाए गए, जिसके अंदर रेंट देना पड़ता था। तो चॉल्स के अंदर एंटरटेनमेंट के लिए लोग, मतलब जगह इतनी छोटी होती थी, तो लोग बाहर आके सोते थे और कुकिंग करते थे। लिकर शॉप्स और अखबारास खुल गए थे एम्प्टी स्पॉट पे, जहाँ पे भी मिलता था। चार चॉल्स के बीच में जो जगह होती थी, वहाँ पे मंकी प्लेयर जाके अपना करतब दिखाते थे। नंदी बुल भी आता था, और कड़ाक लक्ष्मी, जिसके अंदर लोग अपने आप को बीट करते थे, वो काफ़ी टेरिफाइंग होता था वहाँ के लोगों को देखने के लिए। तो ये वहाँ पे डिप्रेस क्लासेस के बारे में बताया गया कि उनको तो वहाँ पे भी रहने का मौका नहीं मिलता था, चॉल्स के अंदर भी उनको। फिर आता है दोस्तों लैंड रिक्लामेशन ऑफ बॉम्बे के अंदर। दोस्तों वो हमें बताते हैं कि रिक्लामेशन का मतलब होता है पानी को सुखाकर लैंड बनाना। तो कैसे उन्होंने 7 आइलैंड के बॉम्बे को एक आइलैंड बनाया लैंड रिक्लामेशन से। और उन्होंने हमें ये भी बताया गया कि कैसे कितनी प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज इन्वेस्ट करती थी लैंड रिक्लामेशन के लिए, एरिया बढ़ाने के लिए। इसका एक एग्जांपल है मरीन ड्राइव, जो कि बॉम्बे में बना है। फिर आता है दोस्तों बॉम्बे सिनेमा कैसे बना। हरीशचंद्र ने एक बॉक्सिंग सीन इसे शूट किया, और फिर दादा साहिब फाल्कर ने राजा हरीशचंद्र यहाँ पे शूट की, जिसके कारण बॉम्बे बहुत बड़ी सिटी बन गया, और लोग दूर दूर से यहाँ पर आकर एक्टिंग का वो करते थे, जैसे कि अभी भी है। अभी तक बॉम्बे एक फिल्म सिटी है। फिर दोस्तों इस चैप्टर के अंदर मैं आपको समरी दे देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर हमें यह बताया गया है कि कैसे कि जो मतलब ब्रिटिशर्स थे लंदन में, तो वो लोगों को ये लगने लग गया था कि जब वो बच्चे की जो वेजिटेशन और स्काई है वो ग्रे है, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता था इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाए गए, लेकिन उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल था दोस्तों। सेम केस दोस्तों हमारी कोलकाता के अंदर भी था। कोलकाता के अंदर क्या था कि मतलब यही हैवी पॉपुलेशन था, और सर्दियों के अंदर तो लोग ब्लैक स्मोक को ब्रीथ करते थे, इतना बुरा हाल था वहाँ पे भी इंडस्ट्री के थ्रू। और कई किसी इंडस्ट्री ने राइस को बर्न करना शुरू कर दिया, टॉलीगंग कहेंगे हम इसको। तो उन्होंने राइस बर्न करना शुरू कर दिया, जिसके तहत लोगों ने कंप्लेंट कर दी कि उनको हवा के अंदर मतलब तुम इतना बुरा हाल था ना पोल्यूशन का। काफ़ी स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा भी, कोलकाता में भी और वहाँ पे भी, और मतलब हवा के अंदर तुम ऐसे जब अपना हाथ हिलाते होगे ना, तो तुम्हें पता चलता होगा पार्टिकल्स को तुम पकड़ पा रहे होगे, इतना बुरा हाल था हवा का। तो यार यही था इस चैप्टर के अंदर। मैं जानता हूँ थोड़ी एक्सप्लेनेशन जल्दी भी हुई है, लेकिन यार हिस्ट्री तो तुम पढ़ोगे, मैंने तुम्हें मेन समझा दिया। तो यार उम्मीद करता हूँ यार ये तुम्हें वीडियो पसंद आई, और वीडियोस थोड़ी यार स्लो आएंगे क्योंकि मेरे भी पेपर्स हैं और मुझे भी पढ़ना है। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो यार, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और यार जल्दी से हमें बहुत आगे बढ़ना है। और चलो मिलते हैं, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।